नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया सिन्हा। बुंदेली वार्ता में आप सबका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम तय हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार जोर पकड़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों से दावेदारी कर रहे लोगों की सामाजिक पकड़ और मजबूती पर गहराई से मंथन कर रहे हैं, ताकि फिर दावेदार से प्रत्याशी में तब्दील किया जा सके। कुछ ऐसा ही हाल झांसी की सदर विधानसभा सीट पर भी चल रहा है। यहां तमाम राजनीतिक दलों के दावेदारों को जोड़कर देखें तो इनकी संख्या 40 के पार पहुंच गई है, लेकिन मुख्य चार पार्टियों को देखें तो करीब 20 से 25 दावेदार मौजूद हैं। इनमें से किसी एक को ही एक राजनीतिक दल अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे। आइए देखते हैं किस राजनीतिक दल के लिए कौन सा प्रत्याशी फायदा साबित हो सकता है और कौन सा प्रत्याशी घाटे का सौदा साबित होगा। कई प्रत्याशी तो ऐसे भी हैं जिनकी चर्चाएं चौक चौराहों पर बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, लेकिन धरातलीय स्थिति कुछ और ही बयां करती है। ऐसे दावेदारों को राजनीतिक दलों ने बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा तो उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है। झांसी की सदर सीट से समाजवादी पार्टी से भी करीब आधा दर्जन लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। इस सीट से बृजेंद्र सिंह यादव भोजला और सीताराम कुशवाहा को समाजवादी पार्टी से सबसे दमदार और मजबूत दावेदार माना जा रहा है। चर्चा है कि इन्हीं में से किसी एक को समाजवादी पार्टी अपना टिकट देकर अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन सियासी समीकरण समझकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि जिसे आप जिताऊ प्रत्याशी समझ रहे हैं, दरअसल उसको जितना झांसी में बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होगी। क्या कहते हैं झांसी के सियासी समीकरण? जब हमने झांसी की सियासी समीकरणों को गहराई से समझने का प्रयास किया तो हम भी हैरत में पड़ गए। क्यों ना आप भी इन सियासी समीकरणों को समझें और तय करें कि आखिर समाजवादी पार्टी से कौन सबसे मजबूत दावेदार हो सकता है। तो देखिए, 2007 के विधानसभा चुनाव में झांसी की सदर सीट पर 1,26,735 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था और समय प्रदीप जैन आदित्य, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उनको 65,532 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रमेश शर्मा को 31,776 वोट मिले, जबकि तीसरी नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही सरोजनी अग्निहोत्री को 17,496 वोट मिले थे। लेकिन अब जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपके होश उड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हरगोविंद कुशवाहा को केवल 68,088 वोट ही मिले थे, जबकि आज की तारीख में इसमें से करीब 10 गुनी आबादी केवल कुशवाहा समाज की है। इन आंकड़ों को जरा गौर से देखने और समझने की बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी अपना एक अलग ही बेस वोट है और कहा जाता है कि यादव वोट बहुत ही कम समाजवादी पार्टी से कटता है। झांसी में इस समय लगभग यादव जाति का 20,000 वोट माना जाता है। यदि 2007 के हिसाब से देखा जाए तो उस समय करीब 10,000 वोट इस जाति का रहा होगा और कुशवाहा जाति का वोट करीब 30,000 होगा। तो आखिर यह वोट कहां गया? क्यों हर गोविंद कुशवाहा महज 7,000 वोट पर सिमट कर रहे हैं? जाहिर है जाति का फैक्टर झांसी की सदर सीट पर ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसी चुनाव को गौर से देखा जाए तो प्रदीप जैन इस चुनाव को जीतकर झांसी के विधायक बने थे, जबकि उनकी खुद की जाति के वोट बहुत ही कम थे। भैया हराव, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचान चाह रहे सो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।
भैया राव, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।